वेरी गुड मॉर्निंग माई डेयर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एज वी आर स्टडिंग चैप्टर थर्ड नासजम एंड द रस ऑफ हिटलर सो आवर टुडेज टॉपिक इज स्टेप्स टू डेथ किस तरह से जर्मनी में जो डेथ्स हुई जो जूस को मारा गया अनडिज़ायरेबल लोगों को मारा गया उनके लिए क्या स्टेप्स लिए गए इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अब तक हम जान चुके हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से रेशियल स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हुई जर्मनी में किस तरह से रेशियल स्टेट को इस्टेबलिश किया गया क्या क्या स्टेप्स लिए गए उसके लिए और साथ ही साथ हमने देखा था कि रेशियल योटोपिया के दौरान उसके चलते जर्मनी में अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स थे जो उन्हें किस तरह से मारा गया गैस चैम्बर्स में ले जा कर के गेटोस में ले जा कर के उनको मारा गया बच्चों ये सब जो जर्मनी में चल रहा था वो ऐसे नहीं है कि जैसे मतलब कोई भी जो अगर सड़क में दिख गया तो उसे मार दिया ऐसा नहीं है बहुत ही वेल प्लान तरीके से चल रहा था उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से नाजिस ने प्लान करके ये सारा प्रोग्राम्स चलाया था कि किस तरह से अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स को मारना है उन्होंने इस तरह से प्लान किया था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं उनके नज़रिए में या उनके करने के तरीके में बिल्कुल ऐसा था कि जो वो जो कर रहे हैं वो उनके कंट्री के लिए बिल्कुल सही है तो स्टूडेंट्स ये जो डेथ का प्रोग्राम चलाया गया अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स को मारने के लिए वो तीन स्टेजेस में चलाया गया फर्स्ट स्टेज एक्सक्लूजन जो कि 1933 थर्टी से 1939 तक चली सेकेंड स्टेज डेटोआइजेशन जो कि 1940 से 1944 तक चली एंड थर्ड स्टेज एनहेलेशन जो 1941 के ऑनवर्ड चली बच्चे सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे एक्सक्लूजन जर्म जर्मनी में नासीस ने जर्मनस के दिमाग में ये बात इस तरीके से भर दी थी कि जो चिस्स हैं या जो जिप्सिस हैं जो बाक़ी अनडि अंडेजारे, अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल भी स, मतलब सही नहीं उनके प्रति जो है नफरत सबके दिमाग में इस तरह से भर दी थी कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कुछ साइंस दिए गए हैं इस साइन के साथ में क्या लिखा है साइन डिक्लेयर्स दैट नफरत करते थे जर्मन जियो से या बाकी तो प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मोस्ट सफर ग्रुप कौन सा था जियो सबसे ज्यादा सफर जर्मनी में किसने किया था जियो ने अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब इस तरह के सिंबल लगाया हुआ था कि ये जो बाथिंग रिजॉर्ट है ये जूस फ्री है ताकि यहाँ पे जो लोग हैं जो जर्मन्स हैं जो, जो नॉर्डिक आर्यनस हैं ठीक है वो आराम से आ सकें क्योंकि वो लोग ज्यूस से नफरत बहुत करते थे और वो वैसे ही एरियाज़ पे जाना पसंद करते थे जहाँ पर ज्यूस ना हो तो ये इस साइन के अकॉर्डिंग वो क्या दिखाना चाहते थे जर्मनस को बाकी जर्मन को कि आप फ्रीली बिल्कुल फ्री हो के यहाँ पर आके घूम सकते हो यहां पर आके बात कर सकते हो क्योंकि ये जो एरिया है वो ज्यूस फ्री है यहां पर भी आप देख सकते हो बेंच अनाउंसिस फॉर आरियंस ओनली। यानी कि ये जो बेंच है वो सिर्फ आरियंस के लिए लगा, लगाया गया है इस पे ज्यूस को बैठने का कोई भी हक नहीं है अच्छा इन सिंबल्स को देखकर ही पता चल रहा है कि किस तरह से किस लेवल की नफ़रत जो है वो नाजिस ने जर्मनस यानी कि आर्यनस के दिमाग में भर दी थी जियस के खिलाफ ठीक है और वो खुद भी जो है उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे तो इस तरीके से जो फर्स्ट स्टेज एक्सक्लूजन जो है चलाई जा रही थी जर्मनी में एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन का मतलब है बच्चों एक्सक्लूड कर देना ठीक है देखो जियस को जो है वो एक्सक्लूड करते जा रहे थे सबसे पहले तो उन्होंने जियोज़ को एक्सक्लूड करना आ, स्टार्ट किया आ, उन्हें उनसे क्या कहा गया यू हैव नो राइट टू अस एज सिटीजन्स यानी कि आपको कोई हक नहीं दिया जाता है कि आप हमारे बीच रहिए एज ए सिटीज़न यानी कि उन्हें जर्मनी का सिटीज़न नहीं माना जाएगा ये इनकी फ़र्स्ट चीज़ थी शिप के उसके अकॉर्डिंग भी जियोस को बहुत ही बाहर रखा था यानी कि एक्सक्लूड कर, कर कर रहे थे उन सारे लॉज में भी जियोस को जैसे कि आ, जो जियस और जर्मन्स के बीच में जो मैरिज थी वो फॉरबिडन थी जो सिटीजनशिप थी वो सिर्फ कैसे नॉर्डिक जर्मन आर्यनस को ही अलाउड थी जो उसको अलाउड नहीं थी जो उसको नेशनल फ्लैग जो है फ्लाई करने का हक़ नहीं था और स्टेज फर्स्ट के दौरान कुछ लीगल मेजर्स भी लिए गए जैसे कि बॉयकॉट ऑफ जूस Business, जो बिजनेस जो जियस का बिज़नेस था उन्हें उसे बॉयकाट कर दिया गया सेकंड स्टेप एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस जियो को गवर्नमेंट सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाए ऐसा जो है उन्होंने रूल्स निकाले फोर्थ सेलिंग एंड कॉन्फेस्शन ऑफ दियर प्रॉपर्टीज जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके उन्हें सेल करने के लिए उन्हें बेचने के लिए उन्हें फ़ोर्स किए जाने लगा इतना ही नहीं जो जो जी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी या फिर उनकी जो वर्शिप के लिए प्लेसेस थी जिन्हें क्या कहा जाता था साइनागोगियस उन्हें जो है जला दिए जाने लगा तो बच्चों इस तरीके से नाजिस द्वारा ये स्टेट स्टेज फर्स्ट एक्सक्लूजन की चलाई गई जर्मनी में सो so दैट वो जियोस को और जो नॉर्डिक जर्मन आरियस थे उन्हें सेपरेट कर सकें ठीक है जियस को एक्सक्लूड कर सकें ठीक है जब जियोस को एक्सक्लूड कर दिया गया फिर जियस कहाँ गए तो सेकेंड स्टेज आई फिर उसके बाद एक्सक्लूजन के बाद सेकेंड स्टेज आई इजेशन जो कि 1940 से 1944 तक चली ठीक है अब इस स्टेज के दौरान उन्होंने क्या चलाया नाजिस ने यू हैव नो राइट टू लिव अमंग क्या कहा कि आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे साथ चलो फर्स्ट स्टेज के दौरान उन्होंने क्या राइट कहा कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप जो है आपको सिटीजनशिप मिले मेरी सेकंड स्टेज की सिटीजनशिप तो देनी ही नहीं है सेकेंड स्टेज में उन्होंने क्या कहा कि अब आपको इस बात का भी हक नहीं है आप हमारे साथ रहो ठीक है स्टेज टू सेकेंड के दौरान क्या किया गया गैटोस बनवाए गए जैसे कि हमने पहले भी गैटोस के बारे में जाना गेटोस जो थे वो क्या थे एक स्पेशलाइज मार्क्ड एरियाज थे जहाँ पर जो है कोई भी फैसिलिटी नहीं रखी गई थी जहाँ पर क्या बहुत ही अनकम्फर्टेबल एटमॉस्फेयर था और वहाँ पर जाकर जो है जो को बंद कर दिया जाता था और गेटोस में जाने से पहले जिसको सारी अपनी जितनी भी वेल्थ होती थी वो सरेंडर कर करवा देनी होती थी यानी कि नाजि को दे देनी होती थी और गेटोस में वो कुछ भी लेके नहीं जा सकते थे और जब वो गेटोस में एंटर करते थे तो वहाँ पर जो है बहुत ही मिज़रेबल लाइफ जीते थे और ज़्यादा देर तो तो वो ज़िंदा रह ही नहीं पाते थे क्योंकि भूखमरी से और बीमारियों से जो है बहुत से लोग जो है वैसे ही मर जाते हैं और बाकी तो नाजिस ने ही मार दिए थे गैस चैम्बर में ले जा कर के ये देखिए बच्चों आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं इस पिक्चर में ये एक इंसान है ये क्या कह रहा है दिस इज़ ऑल आई हैव टू सेल इसके पास बस इतनी ही चीज़ें बची हैं बेचने के लिए मैन एंड वीमेन वर लेफ्ट विद नथिंग टू सर्वाइव इन द गेटोस जो जो भी मैन और वुमेन्स होते थे जो गेटोस में डाले जाते थे यानी कि जो भी जी होते थे उनके पास जो है कुछ भी नहीं छोड़ा जा, जा, जा जाता था सो दैट कि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए उनसे सब कुछ छीन लिया जाता था ठीक है तो बच्चों इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज चले सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज चली एक्सक्लूजन की जिसके दौरान ने क्या कहा यू हैव नो राइट टू लिव अस एज ए सिटीजन जी उसके लिए क्या कहा कि आपको सिटीजनशिप का कोई अधिकार नहीं है आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप एज ए सिटीज़न हमारे साथ रहें सेकेंड स्टेज क्या चली गेटोइजेशन जिसके दौरान उन्होंने क्या कहा यू हैव नो राइट टू लिव अमंगस आपको हमारे साथ रहने का ही हक नहीं है देखो वन बाय वन मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से जी उसको मार डाला स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्लान वे में जो है वो सब कर रहे थे जिससे जो है आ, किसी को ये भी ना लगे कि वो गलत कर रहे हैं और वो जी उसको जो है वो आ, जो नॉर्डिक जर्मन आर्नस हैं उनसे सेपरेट करके मार भी डालें ठीक है अब हम स्टेज थर्ड डिस्कस करेंगे बच्चे स्टेज थर्ड है स्टूडेंट्स एनहीलेशन जो कि 1941 के ऑनवर्ड चली और एनहीलेशन का मतलब होता है विनाश करना यानी कि कैटोराइजेशन के बाद जो है नाजिस ने विनाश करना स्टार्ट कर दिया यानी कि जो लोग थे जो ज्यूस थे उनको उनको क्या कहा गया यू हैव नो राइट टू लिव अब आपका ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं बनता ठीक है पहले तो उन्हें एज ए सिटीजन होने का कोई हक़ नहीं दिया फिर उनके साथ रहने का हक़ नहीं दिया एंड थर्ड स्टेज में उन्होंने क्या किया कि आपको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है और ये जो स्टेज थी ये स्टेज सेकंड के साथ साथ ही आ, स्ट, आ, आ, स्टार्ट हो गई थी जैसे कि 1940 में गैटोइजेशन स्टार्ट हुई और 1941 के ऑनवर्ड स्टेज थर्ड एनहेलेशन स्टार्ट कर दी गई ठीक है इस स्टेज के दौरान आजिस ने मास किलिंग स्टार्ट कर दी लोगों को जिनको गेट हाउस में डाला था या गैस चैम्बर में डाला था या फिर कंसनट्रेशन कैंप में रखा हुआ था उन सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे ये कंसनट्रेशन कैंप की पिक है देखने में ये बहुत अच्छी है लेकिन इसकी हकीकत जो थी वो बहुत ही दर्दनाक थी ये भी कन्सनट्रेशन कैंप की पिक्चर है यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ये पिक दी हुई है ये किसकी है पाइल्स ऑफ क्लोथ्स आउटसाइड द गैस चैम्बर गैस चैम्बर के बाहर ढेर लगे हुए हैं कपड़ों के ये जो पिक है ये है शूज़ के जो कि प्रिजनर्स के शूज़ हैं फाइनल सोल्यूशन से पहले फाइनल सोल्यूशन क्या होता है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे क्या था फाइनल सोल्यूशन ये जो है ये सारे उनके कपड़े या जूते जो है जिससे प्रिजनर्स से, प्रिजनर से इसीलिए उतरवाए जाते थे सो so दैट इन्हें देखकर ही पता चल जाए कि कितने ज़्यादा लोगों को जो है हमने अंदर भेजा है ठीक है ना नाजिश ये सब करने के लिए जो है आ, लो, लोगों को काउंट करने के लिए एक तरीके से उनका अंदाज़ा लगाने के लिए जो है उनके शूज़ और कपड़े जो है बाहर ही उतरवा देते थे तो आप सोच सकते हो बच्चों कितनी दर्दनाक जो मौत है उन्होंने जो इसको दी एक तरीके से बिल्कुल ह्यूमेटी के अगेंस्ट जाके ये सारा प्रोग्राम चल रहा था डेथ का जर्मनी में एक और पिक दी गई है ये देखिए फर्स्ट पिक आपकी इसमें क्या है कि एक इंसान है जो कि जब आ, एस्केप करने की ट्राई कर रहा था यानी कि भागने की कोशिश कर रहा था और उस उस दौरान जो है उसे मार दिया गया आप देख सकते हैं किस तरह की कितनी टाइटली वायर्स यूज़ की गई हैं कि भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं होता था ठीक है और ये कोशिश कर रहा था कि वायर्स के नीचे से निकल के जो है बच जाए लेकिन ये है वायर्स में ही फंस कर मर गया यानी कि एक तरीके से बहुत ही प्लान वे में जो है लोगों को मारा गया जर्मनी में जब नाजिस का रूल चल रहा था ठीक है तो बच्चों इस तरह से तीन स्टेजेस तीन स्टेप्स में नाजिस ने जियस और बाकी के जो अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स थे उन्हें डिज़ायरेबल ग्रुप से अलग करके मार डाला ठीक है ये तो हो गई बच्चों बात स्टेप्स टू डेथ इन जर्मनी की किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वहाँ पे डेथ प्लान की गई जर्मनी में नाजिस द्वारा आगे हम डिस्कस करेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ यूथ इन नाजी जर्मनी जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो हिटलर थे उनका जो है वो किस तरह से इंटरेस्ट था जो जर्मनी का यूथ था उसमें क्या इंटरेस्ट था वो किस तरह से जो यूथ था उसे मोल्ट करना चाहते थे अपने हिसाब से वो कौन सा आइडियोलॉजी जो है उनके द्वारा उनको फॉलो करवाना चाहते थे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे हिटलर वॉज फैनैटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री जो हिटलर थे वो कंट्री के यूथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ही दैट ए स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी इस्टेब्लिश ऑनली बाई टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी उनका मानना था कि नाजी सोसाइटी को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसे हम सिर्फ कैसे बना सकते हैं अगर हम जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको जो है नाजी आइडियोलॉजी टीच कराएंगे, तभी जो है हम नाजी सोसाइटी को स्ट्रांग बनाएंगे दिस रिक्वायर ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इन साइड एंड आउटसाइड द स्कूल उनका मानना था कि बच्चों पे स्कूल के बाहर और स्कूल के अंदर दोनों तरफ जो है कंट्रोल रखना होगा यानी कि उन्हें नाजी आइडियोलॉजी के बारे में अच्छे से समझाना होगा वॉट हैपन इन स्कूल्स अंडर नाजीज़ जब नासम का टाइम पीरियड चल रहा तो उस दौरान स्कूल्स में क्या हुआ? इसके बारे में जानते हैं आइए बच्चों ऑल स्कूल्स वर क्लींसड एंड प्योरीफाइड सभी स्कूलों को क्लीन किया गया और प्योरीफाई किया गया इसका मतलब क्या है कि उन पर झाड़ू पोछा लगाया गया इसीलिए क्लीन किया गया नो no. यानी कि स्कूल्स में चेंजेस लाई गई नासज़म के दौरान स्कूल्स में चेंजेस लाई गई जिस तरीके से पहले स्कूल चलते थे वैसे नहीं चलने लगे क्या चेंजेस लाई गई दिस मीन दैट टीचर्स हु आर और सीन एज पॉलिटिकल अन रेलेबल व डिसमस्ड सबसे पहले तो टीचर्स को डिसमिस किया गया कौन से टीचर्स को डिसमिस किया गया जो जियस थे या पोलिटिकली अनरेबल थे पोलिटिकली अनिलबल बच्चों वो टीचर्स थे जैसे कि अब देखो जर्मनी में जो भी हो रहा था अब जो बच्चे थे उन्हें तो इन समझ नहीं थी कि यह सही है क्या गलत है अब जैसे जो रशियल स्टेट बनाई जा रही थी वो जो बड़े जो टीचर्स थे उन्हें तो यानी कि जो यंगस्ट यंगस्टर्स थे जो अडल्ट थे उन्हें तो समझ में आ रहा था ना कि ये सब जो है क्या सही है क्या गलत है तो सबसे पहले हिटलर ने उन टीचर्स को हटाया जो ज्यूस थे और पॉलिटिकल अनरेलीबल थे यानी कि जो बच्चों को ये समझा सकते थे कि क्या सही है क्या गलत है उनको डिसमिस किया सो so दैट वो उन टीचर्स को रख पाए जो जर्मन नॉर्डिक जर्मन आर्नस थे ताकि वो नाजी आइडियोलॉजी को ही समझाएं बच्चों को जो वही टीचर्स रखे उसने जो नाजी के फॉलोवर्स थे सो so दैट चिल्ड्रेंस के दिमाग में वो इस तरह से बातें बर दें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ से नफ़रत करें और जो नाजी की आइडियोलॉजी है सिर्फ उसी को सही समझें ठीक है चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड सबसे पहले तो बच्चों को जो है अलग अलग किया गया जो जर्मन्स थे और जियस थे उन्हें जो है एक साथ बैठने नहीं दिया गया उनके लिए रूल्स बना दिए गए कि जो जर्मनस और जियस होंगे वो एक साथ ना ही बैठेंगे और ना ही एक साथ खेलेंगे सबसिक्वेंटली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे जैसे कि ज्यूस हो गए फिजिकली हैंडीकेप्ड बच्चे हो गए या जिप्स हो गए उन्हें जो है स्कूल से बाहर निकाल दिया गया एंड फाइनली और फिर फाइनली जो है नाइनटीन फोटीस में उन्हें पहले तो स्कूल से बाहर निकाला और नाइनटीन फोटीस में उन्हें गेटोस या फिर गैस चैम्बर्स में भेज दिया गया क्यों भेज दिया गया उन्हें मारने के लिए ठीक है ताकि वहाँ पे नाजिज जो हैं गैस चैम्बर्स में उन्हें मरवा सकें क्योंकि वो जियस थे अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स के बच्चे थे ठीक है स्कूल्स में सिर्फ कौन से बच्चे रखेंगे गुड जर्मन गुड जर्मन यानी कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन थे उनके बच्चे रखेंगे गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूल ठीक है अब जो है हाँ जब सिर्फ गुड जर्मन के बच्चे रहेंगे फिर स्कूलिंग का सिस्टम चेंज किया गया है यानी कि जो टीचिंग का वे था उसे चेंज किया गया टीचर्स भी अब उन्होंने नाजिस ने अपने हिटलर ने अपने अकॉर्डिंग रख दिए बच्चे भी अब उन्होंने स्कूलिंग में भी स्कूलिंग के सिस्टम में भी चेंज लाया क्या चेंज लाया जो स्कूल्स टेक्स्ट बुक थी उन्हें री करवाया गया ठीक है रैशल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजिज आइडियाज ऑफ रेस राष्ट्रीय साइंस जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया स्कूलिंग में सो यानी कि बच्चों को जो है राष्ट्रीय साइंस भी पढ़वाई जाएगी राष्ट्रीय साइंस के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को ये समझाया जाएगा कि किस तरह से जो नाजिस का आइडिया है रेस को लेके वो बिल्कुल सही है यानी कि जो नस्ल को लेके जो जातिवाद को लेके जो नाजि का आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सही है ये बच्चों को पढ़ाया जाए चिल्ड्रेंस को ये सिखाया जाने लगा कि किस तरह से उन्हें नाजिस के प्रति जो है लॉयल रहना है और जियोस को हेट करना है और जो हिटलर है सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है उन्हीं की वर्शिप करनी है ठीक है वर्शिप करनी है यानी कि हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करना है हिटलर को फॉलो करना है ठीक है बच्चों को बॉक्सिंग सिखाई जाने लगी सो दैट बच्चों में वो जो एग्रेशन का लेवल है वो बना रहे बच्चों को ये पता चले कि, कि किस तरह से जो है रिवेंज के लिए एक क्रेजीनेस होनी चाहिए इस तरीके की जो है एजुकेशन सिस्टम हिटलर ने इंट्रोड्यूस कराया ये तो होगी बात जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे उनको किस तरह से उनके माइंड को किस तरह से हिटलर ने कंट्रोल किया उनके माइंड को किस तरह से माउल्ट किया ठीक है अब हम बात करेंगे एडल्ट की जो स्कूल गोइंग से थोड़े ज़्यादा एज के बच्चे थे ठीक है मतलब स्कूल तो, तो ज़्यादा थे बट स्कूल गोइंग जैसे कि टेन ईयर्स से कम एज के बच्चे थे उनकी हमने बात की थी अब हम बात करेंगे जो टेन ईयर्स एज से ज़्यादा के बच्चे थे उनको उनका माइंड सेट को किस तरह से कंट्रोल किया हिटलर ने किस तरह से उनमें नाजी आइडियोलॉजी को घुसाया कि, कि आपको किस तरह से होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिड फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज़म बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी जिनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि जो अडल्ट वाले बच्चे हैं जो उनको जो है ये सिखाया जाए स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म क्या है बच्चों ये नाजीज़म को ही कहा गया है यानि कि नाजी के आइडियोलॉजी को ही नेशनल सोशलिज्म कहा गया है स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म यानी कि उन्हें बताया जाए कि जो नासिस की आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सही है और वो उसे फॉलो करें उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई

अब इन्हें यहाँ क्या सिखाया जाता था इन्हें सिखाया जाता था कि किस तरह से जो है उन्हें सिर्फ हिटलर को ही फॉलो करना है यानी कि हिटलर की ही वर्शिप करनी है और उन्हें वॉर सि, वॉर सिखाई जाती है यानी कि मतलब किसी से रिवेंज लेना है किस तरह से वो अग्रेशन लेवल लाया जाता था उनके अंदर और वायलेंस के बारे में सिखाया जाता है कि जो वायलेंट्स है वही सही है और जो ज्यूस हैं या जिप्स हैं या और जो अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स हैं उनके उनके प्रति जो है नफरत की भावना जो है उनके दिल में जगाई जाती थी जब बच्चे 14 इयर्स के हो जाते थे तो उन्हें हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना होता था ठीक है 10 से 14 इयर्स की एज के बच्चों को जंक वॉक में एंटर करना होता था एंड फिर फोटीन ईयर्स के जब हो जाते थे तो सारे बॉयज़ जो होते थे स्पेशली जो बॉयज़ होते थे उन्हें हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना होता था जहाँ पर उन्हें ये सब सिखाया जाता था जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से वॉर लड़ी जाएगी किस तरह से अपने एग्रेशन लेवल को यूज़ करना है या जो कोई भी किसी चीज़ का डिसीजन लेना होगा तो कैसे वॉयलेंस से लेना है ये सारी चीज़ें उन्हें हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में सिखाई जाती थी इस पीरियड के बाद उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करनी होती थी यूजुअली एट द एज ऑफ एटीन जो है लेबर सर्विस ज्वाइन करवाई जाती थी देन उसके बाद जो है उन्हें आर्म फोर्स ज्वाइन करवाई जाती थी ठीक है तो बच्चों इस सबसे सिर्फ एक बात क्लियर होती है कि जो हिटलर थे उन्होंने यूथ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करा रखा था यानी कि उनका जो माइंडसेट था वो पूरा हिटलर के कंट्रोल में था यानी कि यूथ को इस सही और गलत का पता ही नहीं था उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी कि हिटलर ही सब कुछ है हिटलर की ही वर्शप करवाई जाती थी और हिटलर को ही फॉलो करवाया जाता था ठीक है यूथ द यूथ लीग ऑफ द नाजिस वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन ट्वेंटी टू एक यूथ लीग जो है नाजिस का नाइनटीन ट्वेंटी टू में फ़ाउंड किया गया फोर ईयर्स लेटर चार साल बाद उसका जो है दोबारा से नाम रख दिया गया रीनेम किया गया हिटलर यूथ टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजिस कंट्रोल ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली डिजोल्व एंड फाइनली बैंडेड यानी कि जो बाकी की यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी अब देखो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो हिटलर थे वही चाहते थे कि जो यूथ हो वो उनका फॉलोवर बने और उनकी तरह जो है बने और ताकि जो है उन आगे जाके वो वही करे जो हिटलर करना चाहते हैं अब बाकी की यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी थी वो भी चाहती थी कि जो आज का यूथ है वो कैसा बने उनकी तरह बने सो दैट उनकी पार्टी जो है वो आ जाए और इन फ्यूचर जो है जो बच्चे हैं वो उनकी तरह काम करें तो उन सबको रोकने के लिए हिटलर ने क्या किया बाकी जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्हें बैन करवा दिया मैं ये तो होगी बात जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे उनके बारे में भी जान लिया कि उनके माइंडसेट पे ना नाजिस या फिर हम हिटलर कहें हिटलर ने किस तरह से कंट्रोल किया एडल्ट के माइंडसेट uh, पे कैसे कंट्रोल किया नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव नाइस डे